कांग्रेस बचा ले वही बहुत है, प्रदेश बचाने की बात तो छोड़िए, प्रदेश तो अच्छे सुरक्षित हाथों में, जनता जानती है प्रदेश किन हाथों में सुरक्षित रह सकता है, इसलिए कांग्रेस बचाए ये बात जरूर है। कांग्रेस कमलनाथ जी ये मैं जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सलाह दूंगा, कमलनाथ जी को सलाह। केंद्र में अगर तमाम विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं वो एकजुट हो रहे हैं राहुल जी की बात है कि मतलब राहुल गांधी जी की सदस्यता बर्खास्त करने के लिए तमाम विपक्षी दल जो है एक मंच पे आए, ऐसा है कि वो एक साथ दिखाई देते हैं पर वहाँ से निकलते ही सबका मत अपना अपना होता है। कल शरद पवार जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कोई इशू नहीं है देश के राजनीति के, और इसे नान इशू को नहीं उठाना चाहिए, तो समझ में आ गया सारे विपक्षों को। मुझे नहीं लगता कि कोई आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष या कांग्रेस कोई चुनौती। पदयात्रा पे निकले और कह रहे हैं कि 2018 वाली पदयात्रा जैसा लाभ जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, क्या कहेंगे आप उनके इस बुंदेलखंड दौरे? नहीं, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी उत्साही है, इस उम्र में भी इतना उत्साह है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, पर परिणाम उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले कांग्रेस से प्रदेश में आएगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों को कोई विश्वास दे रहा, और ये हमारे लिए और शुभ हुआ 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस को देख लिया, परख लिया, सेलेक्ट किया और रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में कोई है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी कितनी मेहनत कोई इफेक्ट नहीं है आम आदमी का मध्य प्रदेश में, हमेशा यहाँ पर बाइपोलर इलेक्शन में दो पार्टियाँ रही, कभी तीसरी पार्टी सक्सेस ही नहीं हुई, इसलिए आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कहीं पर कोई प्रभाव। बीजेपी के लिए बूस्टर का काम करेंगे क्या आम आदमी पार्टी? आ रहा है तो क्या ऐसे में चुनाव आ रहे हैं? कहाँ से आप सी रिपोर्ट आती है हमारे पास? हमारी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ आया नहीं, ये रिपोर्ट आप लोगों के पास कहाँ से आती है? उस तरह कोई तैयारी हो तरह इंदौर में चल रही थी, इंदौर में सारे कोई बावड़ी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो कोई बावड़ी सस्टेनेबल है उनको उसकी चिंता करेंगे, जो नहीं है उसके बारे में प्लान बनाएंगे। सर, महिलाओं का ये बयान के बाद लगातार सुर्खियों में और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कल मानहानि का नोटिस भी भेजा गया, आज आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, वही बात आम आदमी पार्टी की एंट्री से कितना बयान को क्या आपको लगता है गलत तरह से पेश किया गया, इस विषय पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँ तो ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग इसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैंने क्या बोला है, और इसलिए इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मतलब ये आम आदमी पार्टी है।